हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकेबल नाइन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है रियलमी सी 15। तो जब मैं इसको यूज़ कर रहा था, ब्राउजिंग कर रहा था, यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देख रहा था, तब अचानक क्या हुआ, इसका जो बैक बटन है वो काम करना बंद हो गया। जी हाँ, इसका जो बैक बटन है, इसका जो वर्चुअल बैक बटन है वो काम करना बंद हो गया। तो मैं सेटिंग के अंदर गया, बहुत चीज़ करने की कोशिश की, गेस्चर वगैरह सब कुछ कोशिश करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये फिक्स नहीं हुआ। तो एक इसको किस तरह से ठीक किया जाए, मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसका जो बैक बटन काम करना बंद हो गया है, इसको किस तरह से ठीक करा जाए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। सो है फ्रेंड्स, मैं हूँ दापोस, आप देख रहे हैं। ये रहा रियलमी सी 15। तो आप देख सकते हैं कि बैक बटन टोटली काम नहीं कर रहा है यार। बहुत कोशिश किया मैंने, सेटिंग के अंदर जाने के बाद भी ट्राई किया तो नहीं बैक हो रहा। दो बटन काम कर रहा है, रिसेंट बटन, होम बटन, लेकिन बैक बटन काम नहीं कर रहा। फिर मैंने दिमाग लगाया कि कॉन्फिगरेशन टूल्स के अंदर जाकर जो गेस्चर जो बटन होता है, जो नेविगेशन बटन, वो उसको चेंज करके देखते हैं। तो स्वाइप गेस्चर को भी मैं ट्राई किया, फिर भी देखा कि ये काम नहीं कर रहा, तो मैं टोटली शॉक्ड हो गया। फिर वर्चुअल बटन को तो इस पोजीशन से उस पोजीशन में लाया जो राइट साइड में था, फिर लेफ्ट साइड में लाया, फिर भी नहीं आया। तो मैं क्या करूँ, बहुत टेंशन भी होने लगा था। उसके बाद मैंने क्या किया, आप देख ही सकते हैं, एक बार और ट्राई किया, मैं एक बार और ट्राई कर देखा तो फिर भी नहीं आ रहा है यार। फिर मैंने क्या किया कि पावर बटन को प्रेस करके रख दिया। जी हाँ, उसके बाद पावर ऑफ करके रख दिया। 10 मिनट बाद मैंने इसको फिर से ओपन किया, तो जब ये बूट होके ऑन हुआ, उसके बाद मैं अपना पासवर्ड डाला, फिर मैं सेटिंग में चला गया। सेटिंग में जैसे ही चला गया, उसके बाद मैं अपना बैक बटन को चेक कर रहा था, तब देखा कि एक फिर से काम करने लगा है। जी हाँ, मैं सिर्फ पावर ऑफ किया, उसके बाद पावर ऑन किया, फिर आप देख सकते हैं कि ये बैक बटन टोटली काम कर रहा है यार। तो अगर आपके पास भी रियलमी सी 15 है या फिर रियलमी का कोई फ़ोन है और उसका बैक बटन काम करना बंद हो जाए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप एक बार पावर ऑफ करके पावर ऑन करके देखिए, या फिर आप एक बार रिस्टार्ट करके देखिए, ठीक हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने किस तरह से ठीक किया रियलमी सी 15 को। हालांकि ये एक बेसिक सा नॉलेज है, लेकिन बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं जब उनका बैक कैमरा काम नहीं करता। वो सोचते ही नहीं है कि एक बार पावर ऑफ करके पावर ऑन किया जाए। और तो अगर पावर ऑफ करके पावर ऑन करके भी काम ना हो, तो आप एक बार रिस्टार्ट करके देखिए, शायद ठीक हो जाए। हालाँकि जो भी स्क्रीन आजकल का हर फोन में वर्चुअल बैक बटन, रिसेंट बटन और होम बटन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको कहते हैं वर्चुअल बैक बटन, होम बटन और रिसेंट बटन। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का फ़ोन है और इसका जो बैक बटन है, यही जो बैक बटन है, होम बटन और इसका रिसेंट बटन है, इस तरह का अगर आपका फ़ोन है और ये काम करना बंद हो जाए, तो मैं आपको सिंपली बोलूँगा कि आप जाइए केयर और वहाँ पर जाकर आप ठीक करवाइए, या फिर लोकल जहाँ पर आपका फ़ोन ठीक होता है वहाँ पर लेके जाइए। और इसमें आपको दिखाया जो वर्चुअल बटन है वो किस तरह से टेम्पररी अगर बंद हो जाए, तो आप इसको फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि ये स्क्रीन के ऊपर बटन आता है, तो एक खराब हो जाए ऐसे तो कोई बात नहीं है। हालांकि अगर आपका बैक बटन काम नहीं कर रहा, तो रिस्टार्ट करके देखिए, और अगर रिस्टार्ट करने से भी काम ना बने, तो आप एक बार रीसेट कर कीजिए। अगर रीसेट करने के बाद भी काम ना करे, तब आप केयर चाहिए। अदरवाइज आपने देखा मैंने किस तरह से रियलमी सी 15 का बैक बटन को ठीक किया। तो धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूं ये वीडियो नॉलेजफुल लगी होगी या फिर आपका काम में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और एक बार अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना यार। इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पर लगाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा।